माना कि हमारे धंधे में जिंदगी बहुत ही सस्ती होती है, उसके बाद भी मरने का इतना शौक मैं पहली बार देख रहा। हरामजादे, तेरी इन भूरी आंखों में अक्सर मैंने मक्कारी देखी, फिर भी बेवकूफी की जॉब तक तुझे जिंदा रखा। अरे छोड़ो शमशेर, सिंघानिया साहब को मारकर उनकी लूटी हुई दौलत में से तुमने इस केएलडी को क्या दे दिया था जो तुमसे वफादारी करता। राज साहब, इस हरामजादे ने हमारे सिंघानिया साहब की पीठ पर गोली चलाई थी। अगर मैंने गोली चलाई थी सुअर के बच्चे, तो तूने क्या किया था? अरे भाई, इस केएलडी ने तुझे राज साहब के हवाले कर अपने सारे गुनाह माफ करवा लिए, है ना साहब? वार किया था, मैं तेरे सीने पे वार कर रहा हूं शमशेर। साला, मेरे को कुत्ता समझता था, कुत्ते की मौत मारा आपने, अच्छा किया। राज साहब, मैंने आपका काम कर दिया, अब मेरा इनाम। ला ला भाई ला, मैं उठा लेता हूं। ला, थैंक यू राज साहब, थैंक यू वेरी मच। बस आप इसी तरह से इस केएलडी को नोटिस देते जाइए और अपनी दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेते जाइए। कांते, तूने मेरे बाप के जिस्म के किस हिस्से पर गोली मारा था रे? मेरे सवाल का जवाब दे कांते, मेरे बाप के जिस्म के किस हिस्से पर गोली चलाई थी? किस हिस्से पर गोली चलाई थी? पहले हमारा होटल बंद करवा दिया, फिर हमारा धंधा बंद करवा दिया। दुश्मनों ने हमारे धंधों पर कब्जा कर दिया, उसके बाद उन्होंने हमारा क्लब बंद करवा दिया, और अब शमशेर और कांति लाल का खून। चाचो, हम अपनी बर्बादियों की गिनती ना भूल जाए। माना के सिंघा ने हमारा दुश्मन था, लेकिन आदमी वो बहुत अच्छा था। क्या बकवास कर रहा तू? अगर तू मेरा भतीजा ना होता तो मैं तेरा जबड़ा तोड़ देता। गुस्सा इंसान की अक्ल को गर्द की तरह पी जाता है। सिंघानिया अच्छा आदमी इसलिए था कि दोनों बेटों के साथ साथ अपनी एक खूबसूरत सी बेटी को भी दुनिया में छोड़ गया। सिंघानिया की बेटी रानी मक्खी है, रानी मक्खी जहां जहां जाएगी, दोनों भाई मक्खियों की तरह भिन भिनाते हुए वहां पहुंच जाएंगे। क्यों भैया, कैसे लगी चाचू?